हेलो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। द क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आई टू द होल पावर 4 इज। यहाँ पर फोर ऑप्शन गिवन है, ए बी सी एंड डी, और हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अगर हमें गिवन हो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द होल पावर एन, तो इसको हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा में। तो आइए इस बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं। जो हमें क्वेश्चन दे रखा है 1 प्लस आई यानी कि आयोटा टू द होल पावर 4, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर लेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि हम इसको पोलर फॉर्म में चेंज कर सकें। तो 4 से मल्टीप्लाई कर लिया और 4 से डिवाइड कर लिया। अब देखिए जो मल्टीप्लीकेशन वाला 4 है वो तो बाहर ही रखेंगे और जो डिवीजन वाला 4 है उसको ब्रैकेट के अंदर ले जाते हैं। अब देखिए 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 2 लिख सकते हैं, और इस 2 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 टू द पावर 2 टू द होल पावर 2, यानी अल्टीमेटली ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट 2 टू द होल पावर 4। ठीक है, क्योंकि यहां पर पावर में 4 है तो यहां पर लिख सकते हैं 1 प्लस आई अपॉन अंडर रूट 2 टू द होल पावर 4। अब देखिए इसको सेपरेट कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन रूट 2 प्लस आई अपॉन रूट 2 टू द होल पावर 4। ठीक है, अब देखिए इसको क्या लिखा जा सकता है, 1 बाय रूट 2 है तो 1 बाय रूट 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई बाई 4, क्योंकि कॉस में पाई बाई 4 की वैल्यू 1 बाय रूट 2 होती है, प्लस इसी तरह से यहां पर आ जाएगा आई साइन पाई बाई 4 टू द होल पावर 4। अब यहां पर अगर हम ये प्रॉपर्टी यूज करें तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा, 4 यहां पर आ जाएगा कॉस 4 इंटू पाई बाई 4 यानी कि कॉस पाई प्लस आई साइन 4 इंटू पाई बाई 4, तो यहां पर आ जाएगा साइन पाई। ठीक है, अब देखिए 4 इन ब्रैकेट कॉस पाई की वैल्यू कितनी होगी, -1 प्लस आई साइन पाई, साइन पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो अल्टीमेटली हमें क्या मिल जाएगा, 4 इंटू -1 यानी कि -4। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ये हमें किस ऑप्शन में मिल रहा है, ये किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।